नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर वैकेंसी है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी दूंगा, कहां पर जॉब लोकेशन है, क्या सैलरी रहेगी और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसी हैं, मेल फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी हैं, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों को शेयर करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी तक अगर किसी भाई ने यहाँ पर कोई जॉब प्राप्त की है तो मुझे कमेंट अवश्य करें, ताकि मुझे यह महसूस हो सके कि हमारे किसी भाई ने जॉब हासिल की है, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रीजन दिए गए हैं, NK रीजन, BG हेडक्वार्टर रीजन और SK रीजन। टोटल जो वैकेंसी हैं इसके अंतर्गत अलग अलग डिवीज़न के अंदर वैकेंसी हैं। और सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर सैलरी जो रहने वाली है वो 19,900 से 63,200 रुपये रहेगी, पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग। दोस्तों, जो ये वैकेंसी है वो स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है, जो कि जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल, कर्नाटका सर्किल के अंदर है। इसके अंतर्गत टोटल वैकेंसी 27 वैकेंसी हैं, जो कि अलग अलग जगह पर हैं। ये डिवीज़न दी गई हैं, ये आप डिवीज़न देख सकते हैं, बेंगलोर से लेकर के मैसूर तक कई जगह पर डिवीज़न हैं। तो जहाँ पर आपकी डिवीज़न पड़ती है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो वैकेंसी हैं वो जनरल के लिए 14 हैं, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 6, SC के लिए 4, ST के लिए 2, टोटल 27 हैं। और 3 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व की गई हैं एज पर 10% के हिसाब से। दोस्तों, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है 18 साल से 27 ईयर्स तक रखी गई है, और 5 साल छूट दी जाती है SC ST के लिए, 3 साल OBC के लिए, और गवर्नमेंट जो सर्वेंट हैं उनके लिए अप टू 40 ईयर्स तक छूट दी जाती है। साथ ही अब बात करते हैं हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए छूट इसके अंदर जो दी गई है, एक्सपर्समैन अप टू मैक्सिमम 3 ईयर्स फॉर द, अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 5 साल की छूट है। उसके बाद OBC हैं तो उनको 3+3 यानी 6 साल की छूट है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आफ्टर डिडक्शन द मिलिट्री सर्विस, जितनी भी आपने सेना में सर्विस की है वो घटाने के, एक्चुअल एज में से घटाने के बाद जो एज बचेगी उसमें छूट दी जाएगी, यानी आपके पास काफ़ी समय रहेगा। अब जो वैकेंसी हैं एक्सपर्समैन के लिए, वो एक्सपर्समैन की कोटा से भरी जाएंगी, जिस कोटे में वो SC ST OBC जिसमें भी है उसी से वैकेंसी भरी जाएंगी। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो इस प्रकार से हैं, एक तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए लाइट और हैवी मोटर व्हीकल का, नंबर एक। दूसरा, आपको गाड़ी चलाने की नॉलेज होनी चाहिए, उससे संबंधित उसको अगर छोटे मोटे डिफेक्ट होते हैं उसको ठीक करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही एक्सपीरियंस ऑफ द ड्राइविंग लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल, लास्ट 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। आप अगर आपने पुराना लाइसेंस है तो पुराना लाइसेंस रिन्यू कीजिए, ताकि उस पर सर्विस आपका इंक्लूड हो जाता है। साथ ही पास होना चाहिए 10th क्लास के अंतर्गत, और इसके अलावा जो इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है 3 ईयर सर्विस होमगार्ड या सिविल वॉलंटियर की कर रखी हो तो उनको भी इसमें वरीयता दी जाएगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। दोस्तों, इसके लिए आप जो अप्लाई करना है, अगर आप कहीं पर भी अभी सर्विंग हैं तो आपको वहाँ से NOC लाना होगा, वो भर्ती होने के बाद ही जरूरत पड़ती है। साथ ही जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको, फोटो कॉपी द फॉलोइंग सर्टिफिकेट ड्यूली अटैच बाय रजिस्टर्ड अफसर ऑब्लिक सेल्फ रजिस्टर्ड, आप खुद भी सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं और किसी भी अधिकारी से भी कर सकते हैं, जिसमें क्या क्या होगा, एज प्रूफ होगा आपका, एज प्रूफ में आपके 10th की मार्कशीट ही काउंट की जाती है। साथ ही वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कहीं से भी आपने जहाँ पर जॉब किया है वहाँ से, या किसी फर्म से, कंपनी से, एजेंसी से, सब चल जाएंगे। साथ ही पिन कोड और ये एड्रेस
के साथ आपको अपना जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि OBC का है या SC ST का है, वो सब लगाना है आपको। और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें अपनी पेंशन डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, जैसे कि PP ऑर्डर और आई कार्ड, इनमें से कुछ भी आपको होना चाहिए, कोई भी प्रूफ लगाना है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो इसमें PPO की कॉपी ला सकते हैं आप। साथ ही स्पेशल जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो करने इस प्रकार से हैं, इसके लिए जो इनकम्प्लीट फॉर्मेट होगा, फॉर्म होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको अच्छी तरह से भरना है। साथ ही इसमें कोई भी कॉलम आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चनस होगा वो ईमेल के माध्यम से और टेलीफोन के माध्यम से होगा। आपका जो इस कॉल लेटर या जॉइन लेटर जो भी आएगा वो ईमेल का आएगा, तो अपना समय समय पर ईमेल चेक करते रहिए। और जो आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है वो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट MMS बेंगलुरु के लिए भेजनी है, जो कि आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेजनी है। उसके लिए एड्रेस रहेगा द मैनेजर मेल मोटर सर्विस बेंगलुरु, पिन कोड होगा 56001, इस पर भेजनी है। और जो लास्ट डेट है वो 14 मई 2024 है, शाम को 5 बजे से पहले पहले ये एप्लीकेशन आपके वहाँ पे पहुँच जानी चाहिए। दोस्तों इसके लिए कोई TA DA कोई क्लेम नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ की जो वेबसाइट दी गई है www.indiapost.gov.in पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर के भी अपनी डिटेल इस वैकेंसी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्मेट दिया गया है, अब इस फॉर्मेट में क्या क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है, जो कि सेल्फ रजिस्टर्ड होगा या किसी भी रजिस्टर्ड अफसर से भी करा सकते हो, तो आप खुद भी सेल्फ रजिस्टर कीजिए। साथ ही आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर के अंदर अपना फुल नेम लिखना होगा, फिर फादर नेम होगा, फिर परमानेंट एड्रेस होगा। कोशिश कीजिए कि सारा फॉर्म आप कैपिटल लेटर में ही भरें। साथ ही एड्रेस कॉरेस्पोंडेंस आपको यहाँ पर लिखना होगा, मेल ID, सिटीजन आप इंडियन, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर भरनी है, या फिगर में आएगा और यहाँ वर्ड के अंदर आएगा। एज एंड क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट एप्लीकेशन, यानी 14 मई 2024 तक आप कितनी साल कितने महीने कितने दिन हो रहे हैं वो डिटेल्स में लिखनी है। साथ ही रजिस्ट्रेशन कैटेगरी किस कैटेगरी में उसमें टिक मारना है, अगर आप जनरल में जनरल कीजिए, SC में SC कीजिए, ST ST, OBC, वो उनमें से टिक मारना है। साथ ही इसके अंतर्गत जो भी अगर OBC हैं तो आपको OBC सर्टिफिकेट देना होगा। और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि उन्होंने लेंथ ऑफ सर्विस लिखनी है। अगर यहाँ पर आपने 20 साल या 24 साल सर्विस की है, 24 साल एक महीना या 4 दिन जो भी की है वो आपको लिखना है। आपकी ट्रेड क्या थी, ड्राइवर MT थी या कोई भी था, वो आपको लिखना है। साथ ही यहाँ पर डिटेल ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने की है, हाई स्कूल इंटर जो भी की है वो लिखना है, कहाँ से की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, वो डिटेल्स के अंदर भरनी है। उसके बाद आपको जो लाइसेंस है हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल का, वो इसमें जरूर लिखना है। HMB LMB इश्यूड वैलिड कहाँ से कब तक वैलिड है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस पीरियड HMB LMB वो यहाँ पर भी लिखना है कि आपने कब से कब तक गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस आपको प्राप्त है। साथ ही अगर कहीं पर आपने होमगार्ड या किसी सिविल किसी के अंदर काम किया है तो वो भी आपको पीरियड डालना है। साथ ही ऑप्शन डालना है डिवीजन यूनिट, जहाँ जहाँ पर 4 जगह आप पोस्टिंग इस पर पा सकते हैं, तो ये 1 2 3 4 ये 4 आप भर सकते हो। साथ ही इसके अंदर जो भी एप्लीकेंट है अपना यहाँ पर साइन करेंगे और ये डॉक्यूमेंट इंक्लूड करके इसको भेज देंगे। साथ इस जगह को आपको ये जो जगह दी गई है यहाँ पर इसके ऊपर जो रहेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट इस तरह से बना करके उसके ऊपर लिखना है, या फिर आप पेन से बना सकते हो या छपा हुआ भी ले सकते हो। दोस्तों इसके अंदर आप संपूर्ण भारत से अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक के बंदे ही अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप ये देखें तो क्लियर लिखा है यहाँ पर इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है, बस भारत का नागरिक होना चाहिए, आप कहीं से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी संबंधित जानकारी।
ऐसी ही जानकारी यहाँ पर मिलती रहती हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। हो सकता है कि उनको भी आपसे यही उम्मीद हो कि आप भी उन्हें किसी जॉब के बारे में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।